उत्तराखंड के पवन दी मस्त मौला भी हैं। जी हाँ, वो गाने के साथ घूमने के भी बहुत शौकीन हैं। जब से वो मुंबई में आए हैं तब से वो कई जगह घूम चुके हैं और लगातार सोशल मीडिया पर उनके कई लॉन्ग ड्राइव के वीडियो तो कई राइड के वीडियो भी आ चुके हैं। पवन दी उत्तराखंड की सड़कों पर बाइक जब दौड़ाते हैं तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। पवन दी की बस चलाते हुए वीडियो तो आप सभी देख ही चुके हैं कि आप वो वीडियो देखिए जिसमें वो बाइक चला रहे हैं। पवनदीप बिल्कुल हीरो के लुक में नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में पवनदीप अरुणिता को लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जाते दिख रहे हैं। हालांकि पूरी वीडियो तो सामने नहीं आई है, लेकिन फोटो की एक झलक से पता चला है कि पवन अरु को कहीं घुमाने लेकर गए हैं। और अब तो पवनदीप की खुद की जीती हुई कार भी है और फिर अरुणिता भी पास है, तो वो ये मौका कैसे खाली जाने देते। पवनदीप अरुणिता के साथ इस वक्त ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता रहे हैं। किसी न किसी प्रोजेक्ट के चलते उन्हें अरुणिता के साथ घंटों रहना पड़ता है और लगातार वो अरुणिता के साथ डांस और गाने की वीडियो भी शेयर करते हैं। हालांकि पवनदीप पहले ही कह चुके हैं कि वो मुंबई में सभी फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट के साथ रहेंगे, जिससे एक दूसरे को काम में सुविधा मिले। अभी तक तो पवनदीप सिर्फ अरुणिता के साथ ही नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा साइली कामले, षणमुख प्रिया और बाकी कंटेस्टेंट के साथ पवनदीप कब काम करेंगे और क्या पवनदीप के साथ बाकी कंटेस्टेंट वही रौनक बना पाएंगे जो अरुणिता पवन की जोड़ी ने रौनक बनाई है। अब तक आपने देखा पवनदीप और अरुणिता हर जगह साथ जाकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन शायद अब वो वक्त आ गया जब पवनदीप को अरुणिता से अलग होना पड़ा है। जी हाँ, इन्हें अलग करने वाले कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन और उनकी माँ पिंकी रोशन है। जी हाँ, पिंकी रोशन पवनदीप की इस कदर फैन हुई कि उन्होंने पवनदीप को अपने घर बुलाया, लेकिन पवनदीप कहाँ बिना अरुणिता के एक कदम आगे बढ़ने वाले। पवनदीप अरुणिता के साथ ऋतिक रोशन के घर सभी से मिलने पहुंचे। राकेश रोशन, ऋतिक रोशन और पिंकी रोशन ने अरुणिता पवन का स्वागत किया, इन्हें ढेर सारी बधाइयां दी और खूब सारे गाने भी इनसे सुने। फिर क्या, एक ऑफर भी पवनदीप को दिया गया। जी हाँ, पिंकी रोशन ने पवनदीप से कहा कि अगर तुम्हें कभी मुझसे मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना, ये मदद इंडस्ट्री में काम की भी हो सकती है। पिंकी रोशन ने ये भी कहा कि अगर तुम्हें कभी मुझसे मिलने का मन करे तो बिना हिचके आप मिलने आ सकते हैं। जी हाँ, पवनदीप को इंडियन आइडल पर दिल से गाना गाते देख पिंकी रोशन की आंखों से भी आंसू आ गए थे। पिंकी रोशन ने बताया कि वाकई पवनदीप, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारे लिए मैं दुआ करती हूँ कि तुम बहुत आगे तक जाओ और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो। अब यहाँ पिंकी रोशन ने पवनदीप के लिए तो कहा, लेकिन अरुणिता के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप के लिए इंडस्ट्री में काम के दरवाजे तो खुलने लगे हैं, लेकिन अगर अरुणिता को काम नहीं मिला तो पवनदीप अरुणिता एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले आपने भी इंडियन आइडल के सेट पर ऋतिक रोशन के गाने पर इन तीनों को डांस करते देखा था। सोशल मीडिया पर इन तीनों का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें ऋतिक रोशन के सुपर हिट गाना घुंघरू टूट गए पे थिरकते ये तीनों नजर आए थे। पवनदीप राजन के फैन द्वारा पोस्ट किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में ये तीनों कंटेस्टेंट पवन, अरुणिता और षणमुख प्रिया ऋतिक रोशन की तरह डांस स्टेप करते नजर आए थे। आपको इन तीनों कंटेस्टेंट का बॉलीवुड अंदाज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप भी पवनदीप अरुणिता के फैन हैं, और अगर हाँ तो आप भी क्या इन्हें एक साथ देखना चाहते हैं। पवनदीप अरुणिता का रोमांस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर ये जोड़ी मुंबई में किसी खूबसूरत जगह पर रोमांस करती दिखाई दी। जी हाँ, पवन अरुणिता अपने नए गाने के लिए इस वीडियो में रोमांस करते नजर आए। इस वीडियो में पवन अरुणिता का हाथ पकड़कर रोमांटिक डांस भी करते हैं और गजब का है दिन गाना गाते हैं। मुंबई की जिस जगह पर दोनों ने ये वीडियो शूट करवाया है वो वाकई में बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। स्विमिंग पूल के किनारे खड़े पवन और अरुणिता रोमांटिक फोटो शूट भी करवा रहे हैं। अब तक इस वीडियो को लाखों व्यूज और कमेंट मिल चुके हैं। खबरें तो ऐसी हैं कि पवन अरु ये गाना जुबिन नौटियाल के लिए गा रहे हैं और दोनों अभी नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बिजी हैं। दोनों के पास कई सारे गाने हैं जिन्हें शूट करना है। हालांकि ये दोनों तो अपने काम के लिए एक साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि फैंस को ये जोड़ी बहुत पसंद आई है। ऐसे में दोनों
कई गाने एक साथ गाते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ फैंस को इनका ये ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कई वीडियो में उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मानो ये ड्रामा उनसे जबरन करवाया जा रहा है। इंडियन आइडल के एक एपिसोड में भी रीना राय जब मेहमान बनकर आई थी, शो के प्रोमो सामने आया था जिसमें अरुणिता पवनदीप को खीर खिलाती हैं। तभी पवनदीप से होस्ट आदित्य नारायण पूछते हैं कि क्या उन्हें पसंद है। जवाब में पवनदीप खीर बोलते हैं। इसके बाद सेट पर खीर आती है। रीना रॉय फरमाइश करती है कि पवनदीप को ये खीर अरुणिता खिलाएंगी। सिंगर स्टेज पर आती है और फिर रीना रॉय अरुणिता को एक लव डायलॉग बोलने को कहती है। ऐसा कहते हुए अरुणिता भी शर्मा जाती है। आदित्य नारायण दोनों को अरुदीप कहते बुलाते हैं और इंटरनेट पर अरुदीप का हैशटैग भी चल रहा है। सोशल मीडिया पर ये फेक ड्रामेबाजी खास पसंद नहीं की जा रही है। एक यूजर ने लिखा, ये क्या बकवास है, दो कंटेस्टेंट को ऐसे शर्मिंदा किया जा रहा है, हमें पवनदीप की परफॉर्मेंस का प्रोमो चाहिए, ये सब नहीं। दूसरे यूजर ने कहा कि भगवान के लिए शर्म करें, ये सब बंद करें। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मेकर्स को ट्रोल किया गया और कहा तो ये भी जा रहा है कि शो ने इसीलिए पवनदीप को विनर और फर्स्ट रनर अप अरुणिता को बनाया, वरना साइली कामले भी विनर बनने के योग्य थी। वैसे आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन और रनर अप रही अरुणिता कांचीलाल इन दिनों सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। हालांकि इस बारे में उन्होंने खुलकर बात नहीं की है। बीते दिन पवनदीप ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अरुणिता के साथ डांस मूव करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि पवनदीप और अरुणिता डांस मूव कर रहे हैं, वहीं उनके फैंस भी पोस्ट पर रिएक्शन दे रहे हैं। फैंस को दोनों की केमिस्ट्री बेहद पसंद आ रही है। वहीं बैकग्राउंड में फिल्म शेरशाह का गाना राता लंबिया बज रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं। इस वीडियो पर कई फैंस ने अपनी राय भी दी है। एक यूजर ने लिखा, आप दोनों बेहद प्यारे लग रहे हैं। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, आप सिंगर होने के साथ साथ अच्छे डांसर भी हैं। एक यूजर ने लिखा कि दोनों की जोड़ी को टीवी पर फिर से देखना चाहते हैं। बता दें, इंडियन आइडल 12 के मेकर्स द्वारा पवनदीप और अरुणिता के बीच एक रोमांटिक एंगल को दिखाने की कोशिश की गई है। इस शो के होस्ट आदित्य नारायण ने दोनों के रोमांटिक एंगल को दिखाने को लेकर कहा था, हम मस्ती करते हैं, लोग कहते हैं कि हम रियलिटी शो में मेकअप अफेयर्स बनाते हैं, ये सब झूठ है। फिलहाल तो इस वक्त आपको पवनदीप और अरुणिता का ये डांस वाला वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।